शुरू हो गया, सही था। तो भाई गैस, तेजाब, कब्ज, अफारा, बीपी, शुगर, गुर्दा, पथरी की पित्त की पथरी, गुर्दे की पथरी, बवासीर का कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, नजला, जुखाम, थायराइड, एलर्जी, मिर्गी, दौरा, नस नस पर नसर, नागरम, सरद, हाथ पैर में जलन, सिर में दर्द, माइग्रेन, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल साइटिका, कंधों में दर्द, मूत्र जलन, ल्यूकोरिया, बच्चे दानी मरी सोड़ी, नपू संतानियों ने बेरा 70 ढाल की बीमारी चल रही है आजकल। तो भाई उन बीमारियां का इलाज खेतर आप बार बार कदे तो डॉक्टर तो रजावा हाँ कदे आप जावा वैद के दौरे, और भाई डॉक्टर वैद और हकीम जो है वो सबसे पहले आपकी जेब की तलाशी ले हुए हैं, न्यू देखें जेब में माल कितना गया उसे हिसाब से पुड़िया बहनते हैं। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हाँ भोंगरा गांव में, जिला जींद का हल्का उचाणा और उचाणा का गांव भोंगरा, जिसमें कि वैद्य सुनील रहे हैं। और भाई न्यू आग्रह बोले घर का वैद्य, तो वैद्य सुनील जी का दावा है कि भाई हम इसे कुछ फार्मूले आपको बतावेंगे जो घर बैठे आप अपना इलाज खुद कर सको हो, डॉक्टर द्वारा लूटन पीटन की जरूरत कोनी। तो यह वीडियो पूरी तरह से जनहित में जारी है, जिसमें कि मोबाइल नंबर भी है वैद्यों का, और जो भी कमेंट सेक्शन में कोई भी बीमारी का नाम लिखेगा अगला प्रोग्राम उसे बीमारी पर, यानी कि जिस बीमारी के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसे बीमारी के ऊपर हम वैद्य सुनील जी तक चर्चा करेंगे। तो फिलहाल वैद्य जी आपने बताओ आज का जो प्रोग्राम, पहले तो ठाडू ठाडू राम राम। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो वैद्य जी आज का जो प्रोग्राम है अपना घर का वैद्य, तो कौन सी उस बीमारी के बारे में घर की जो रसोई है उसमें तो इलाज बताओगे जो जिसमें कि कोई खर्चा नहीं आंदा और घर बैठे इलाज हो जाए। देखो आपकी रसोई सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा औषधालय है, कोई भी रोग हो सबके सब रसोई से ठीक किए जा सकते हैं। और वैद्यों के डॉक्टरों के भरोसे मत रहो, कब तक उनके सारे आप जो चलते रहोगे, जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक हम लोग आपके साथ हैं। ले भाई बड़ी बड़ी बात कह दी है वैद्य ने, भाई जब तक दर्द पीसे और वैद्य पर गले में जी से क्यों, आप आओगे दवाई लोगे पैसा दोगे और जो है वो पैसा क्या पता किस परपज के जो हम प्रयोग करेंगे, तो पैसा खराब मत करो, बड़ी मेहनत से कमाते हो, धर्म पर लगाओ, दान पुण्य करो, अच्छे कामों में करो, नशे पते से बचो, नशे पते का विरोध करो और अपना पैसा बचाओ, और जो भी रोग है लो जी सब रोग जो है। पहला कमेंट आ गया है वैद्य जी, बहुत ही ट्रेंडिंग वाली बीमारी चल रही है, के नाम है पूजा गुप्ता जी का कमेंट आया, सबसे पहला कमेंट है शायद मेरे ख्याल से, यू पहला को नहीं दूसरा है, चलो कोई बात नहीं, इसका इस तरफ हमारा ध्यान चला गया। शुगर कह डाल के हुए हैं, क्या शुगर का इलाज भी घर की रसोई में संभव है? शुगर जो है, शुगर होने से पहले प्रमेह रोग होते हैं, 20 प्रमेह होते हैं, वातज, पितज और कफज। तो प्रमेह का मतलब होता है डायबिटीज की शुरुआत, जिसकी वजह से हमारे धातु की जो पौष्टिकता होती है वो नष्ट होने लग जाती है। अच्छा जी। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले खूब घी दूध खाओ, दही खाओ, लस्सी खाओ। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो वैद्य जी? या डॉक्टर तो नुको है घी बंद, दूध बंद, सांस बंद, सब कुछ बंद कर दें, आप नुको दूध घी खाओ। देखो घी से मतलब है जो घी जो दूध आपने कड़ोनी में दरिया उबालिया, शाम ने जमाया, सवेरे बिलोया, उसमें तो मक्खन निकाल लिया गाय का, वो मक्खन ताक है जो बना वो घी है, जो क्रीम निकाल के घी बना रहे वो घी नहीं वो तेल है, वो तेल उसके है। नुकसान हो सकते हैं, घी के नुकसान नहीं होंगे। तो घी खाओ, उसके बाद में आपकी रसोई में हल्दी है हल्दी ले सकते हो, अगर आपकी तासीर गर्म है तो हल्दी मत लो। एक बसलुम्बा आता है जिसको गढ़तुम्बा भी कहते हैं आयुर्वेद में, इंद्रायण दर्शक भी चल देंगे गढ़तुम्बा। आपने तो काम कर दिया, बोला ले भाई दवाई का नाम लिखो, बोला के उम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा न्यू ना करो, थोड़ा गढ़तुम्बा है कैसे। शुगर की मैं आपको ऐसी दवाई बताता हूँ आपको खाने नहीं है। अच्छा ठीक है, गढ़तुम्बा या फिर बसलुम्बा या फिर इंद्रायण, तीनों एक ही फल के नाम है और मुश्किल से 100 रुपए किलो आता है ये। बस बस ये फल लेके आओ, इसको शाम को भिगो, अगर सूखा लेके आओगे तो शाम को लगभग 10 ग्राम भिगो दो लगभग आधे किलो पानी में, गर्म पानी में, और सवेरे उस पानी ने जो है किसी बर्तन में डालकर उसमें पैर डबो लो। अच्छा। या पैरों पर मालिश कर लो, शुगर नॉर्मल हो जाएगी। अगर कब्ज भी टूट जाएगी। अच्छा जी। गैस बना है तो गैस भी रुक जाएगी, और तेजाब बना है तो तेजाब भी रुक जाएगी, और अगर बवासीर है तो बवासीर में भी इसका आराम होगा। तो बड़ा जादू ही सा नुस्खा बता दिया वैद्य ने, ये क्या नाम बताया इसका फल का? बसलुम्बा,
और इंद्रायण और गढ़तुम्बा। राजस्थान में गढ़तुम्बा कहोगे, संस्कृत में इंद्रायण है, और हमारी देसी हरियाणवी भाषा में है बसलुम्बा। बसलुम्बा ले आओ, 1 किलो ले आकर घर अंदर ले आओ। एक बार में कितना उबालना हो? 10-20 ग्राम उबालना है। उबाल बस गर्म पानी में टेक जो रात ना सवेरे, अच्छा अगर ताजा है तो ताजा ना पैरां पर मसलोगे या उसने काट का टुकड़े करके तांसला में गेर लो, और लेख मसलते मसलते ही आपका मुंह जब कड़वा होना शुरू हो जाए तो समझ लो आपकी डायबिटीज हो गई। यानी पाँव का मसलांगे, देखिए वरानसी और हाथ पैरों में जलन है देखो, उसमें भी काम कर। पाँव का मसलांगे, जरा आप काट का मसल ना करे, जरा पैरे पैरे मसलो, पाँव का मसलांगे इस फल ने, और मुंह अपना कड़वा होना शुरू हो जाएगा। देखो आज की वीडियो बड़ी टिकाई तो बताओगे हम, क्योंकि बहुत गहरी चीज है, और शुगर जैसी ट्रेंडिंग बीमारी जिस पे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल टिके हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि छोटी सी बिल्डिंग तक शुरू हुए हैं, और वह बड़े 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल बनते हैं, क्योंकि अब बड़े आदमियों की बड़ी बीमारी है, बड़े बड़े आदमी इससे पीड़ित हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डॉक्टर है उनकी जेब भरजे है, और भाई वहाँ 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल खड़े करते हैं, जबकि वैद्य ने बताई गढ़गुम्बा के था बसलुम्बा। बसलुम्बा बसलुम्बा ले आओ भाई, और उसने लगभग 20-1 ग्राम जो है पानी में डबो, और सवेरे उसको जो उसमें पानी में पांड डबो लो, मुंह कड़वा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और मुंह कड़वा शुरू होगा और आपकी डायबिटीज कम होने लग जाएगी। और एक आज की एक विशेष बीमारी चल रही है, बीपी आई होना, बीपी लो होना, तो इसकी आपने फ्री में दवाई बताऊंगा मैं। यू बीपी तो बताऊं वैद्य जी, माम किसी नेता पर कड़वे सवाल पूछ ले नहीं उसका, उसे टाइम बीपी आई हो जाए है। देखो आज तक अगर आप 20 साल 25 साल पहले जाओगे, आपने कोई भी नहीं मिलेगा बीपी का मरीज। गाय का गोबर लेकर आओ, धरती ने लीप लो, अगर उस जमीन पर आप बैठोगे हर रोज आधा घंटा, अगर आपका बीपी लो हुआ है तो उठ के सामान्य 110-125 आओगा, अगर आपका आई है तो भी सामान्य 110-125 के बीच में आओगा। कोई खाने की जरूरत नहीं, कोई पीने की जरूरत नहीं। अच्छा क्या करें इसमें? गाय का गोबर तो धरती लीप लो थोड़ी सी, इसकी बनी बनाई चटाई भी आवे अमेजन पर, 2100 रुपए की आवे, 10 रुपए का गोबर। अच्छा, है बस एक वो। बात और मैं तो उन लोगों से कहूंगा जो अपने शोरूम का आगे टोरडे गेर के जावे हैं, अगर भी कदे अड़क गाय बैठ जे, अरे भक्तो ओए गाय का गोबर जब तुम ठह के घर ले जाओ तो तारे को निरोग कर सके है। और कोई भी गाय अगर आपको सड़क पे दिखे उसका लठ मारने की बजाय उसने रोटी दे उसका गन्यार गेरो। लेखराज जी आपका कमेंट आ गया, बाकी जब शॉर्ट में अगर नुस्खा होगा तो वैद्य भाई भी पूछ लेंगे। लेखराज जी पूछे हाथ में गांठ है उसका कोई नुस्खा हो तो बता दो। इस रोग का नाम है लाइपोमा। लाइपोमा और इसके लिए जो है लगभग 6 महीने तक आपको जो है कांच नार का जो काढ़ा है वो पीना चाहिए। कांच नार का काढ़ा पीना है, किस तरह पीना? कांच नार 1 किलो ले आओ, 160-170 रुपए का होगा, आप ठीक हो जाओगे, वो खत्म होगा तो आपका लाइपोमा भी खत्म हो जाएगा। देखो वैद्य का इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, फिर कहूंगा आज की यह जो वीडियो पूरी तरह से जनहित में जारी है। वैद्य का नंबर स्क्रीन पर हम देखने लग रहे हो, 98071-31000। किसी भी प्रकार का निष्कर्ष है जो के परामर्श परामर्श निष्कर्ष परामर्श परामर्श निशुल्क है। घर बैठे आपकी रसोई में है बहुत सारी चीज है, हल्दी है, काली मिर्च है, अजवाइन है, सौंफ है, और बहुत सारी चीजें जो कि घर के नुस्खे घर का वैद्य बनने में आपके काम आवेंगी। तो भाई हम भी उसी प्रकार की किमन किमन जानकारी लेने खातर वैद्य द्वारा पहुंचे थे। संदीप कुमार दहिया का कमेंट आ गया, दोनों बाजुओं में दर्द हुआ है। अच्छा दोनों बाजुओं में दर्द है जी, कारण कुछ अलग भी हो सके, कई डाल के कारण बिल्कुल हो सके, इसमें नस ब्लॉक भी हो सकती है, और हो सकता है इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो सकता है वायु ज्यादा हो, पेट अच्छे से साफ ना होता हो, तो इसको पूरे को कंट्रोल करने के लिए जो है सबसे अच्छा तो ये है खाना खूब चबा चबा के खाओ, दूसरा अर्जुन की छाल का काढ़ा पियो या फिर अर्जुनारिष्ट लो। अर्जुन की छाल का काढ़ा किस टाइम पीना, कितना पीना है? अर्जुन की छाल का काढ़ा लगातार मत पियो, 1 हफ्ता लगातार पियो, 10 ग्राम छाल हर रोज उबाल के। अच्छा। और उसके बाद जो है हफ्ते में 1 दिन पियो बस। अर्जुनारिष्ट लेनी हो तो अर्जुनारिष्ट 20-20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लो। देखो भाई ये जो सलाह वैद्य जी देने लग रहे हैं इन महीन का कोई न्यू कोनिक भी जेब भर जाएगी, इन ना इनका कोई न्यू भी धरती सलाह दे दी तो हम जो अपनी दवाई चाहे आप अपने नजदीकी उस तरह लेगे के बोलिया करो ना जितनी दवाई मिलेगा। देखो पिछली जो सरकार थी हरियाणा सरकार थी, अर्जुन के पेड़ खूब लगा के गई है, हर रोड पे मिल जाएंगे आपने। बिल्कुल क्यों पीछे लाओ और तो तार लो। बुखार की परमानेंट, देखो फिलहाल जो है क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, विजय कुमार जी का कमेंट, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन विक्की है
इसने पढ़ लिया तो इसका जरूर बता देंगे। तो इस प्रोग्राम को फिलहाल हम थोड़ा बहुत जल्दी क्लोज करने जा रहे हैं। अच्छा कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, चलो ले लेंगे कमेंट। विजय कुमार को जी बुखार का इलाज। देखो बुखार को आयुर्वेद में जौर कहते हैं और सबसे बड़ा ये रोग है, 8 प्रकार का होता है और वातज पितज सन्निपातज शोकाकुल और डर की वजह से भी ये हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको बुखार है तो आप गिलोय का काढ़ा पियो, तुलसी के पत्ते डाल के पी लो, या फिर मात्रा बता दे रोगे लगे। गिलोय का काढ़ा आपकी जो ये उंगली है, आपकी उंगली है मेरी नहीं, आपकी जो उंगली है उसके बराबर की एक डंडी ले लो गिलोय की, उसको कूट के एक गिलास पानी में उबालो, इतना उबालो आधा गिलास रह जाए, और थोड़ा गुड़ डाल के पी लो भाई दिन में दो बार। ऐसा करो भाई, जो ये बाकी के जो कमेंट जितने भी आने लग रहे हैं आप अपनी आईडी पता रिप्लाई भेजो। हाँ चलो, एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है गो वरदान आयुर्वेदा के नाम से, GO स्पेस वरदान, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उस पे हम आयुर्वेद की जानकारी डालते रहते हैं। अच्छा भाई, आप संदीप भाई ने कुछ है, संदीप भाई पथरी की दवाई देते हो क्या? संदीप भाई पथरी की दवाई बिल्कुल देवे हैं और घर का इलाज भी बताऊंगे गेला गेला वैद्य जी, बताओ जी। भाई पथरी की दवाई हम भी देवे हैं और आप घर पे भी बना सको हो। एक काम करो, एक पत्थर तटका पेड़ा ले आओ, उसके 4-5 पत्ते हर रोज चबाने शुरू कर दो, उसी से लिकट जाएगी, ना लिकटे तो फिर हम। हाँ चलो, वैद्य ने कई सारी चीज बताई है भाई, यानी कि आपका अपनी नजदीक की कोई भी बढ़ियापन सारी हो जिसकी विश्वसनीय चीजें हो, औरत या समान सामग्री ले आओ और अपना घर में खुद इलाज कर लो। और जितने भी फिलहाल जो कॉमेंट आने लग रहे हैं, इन कॉमेंट के आधार पर हम अगला प्रोग्राम वैद्या के लिए फिर रूबरू होंगे और कमेंट का रिप्लाई भी जो वैद्य की टीम है या वैद्य खुद है उनका रिप्लाई भी देगी, हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश रहोगी। क्यों जी वैद्य? बिल्कुल जी, क्योंकि बड़ा पुण्य का काम है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें वैद्य का कोई निजी स्वार्थ को नहीं भाई, पूरी तरह से ये प्रोग्राम जनहित में है। हम भी न्यूता वहां के स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और मजबूत भारत। तो भाई जितने भी दर्शक इस टाइम मार्गे लाइव में जुड़े हैं, जिन्हें कॉमेंट करे हैं, उन सबका दिल की गहराइया में बरोटे भर भर के बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्रोग्राम ने जी ला के शेयर कर दो, वैद्य का नंबर भी है। खुद सीखो, खुद करो, दूसरा भरोसा मत रहो। हाँ। और बढ़िया रहोगा, अपने आसपास में सबका सहयोग करो, जिसका भला कर सको उतना बढ़िया। चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, कर दो भाई शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।